आपसे प्यार करके हमें मजा आ रहा है, आपको यहाँ बिठा के हम समोसे पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, मजा आ रहा है। जी जी जी, और इंशाल्लाह ताला इससे भी ज्यादा हम आपकी खिदमत करने में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यार वर्ल्ड के किस पार्ट में आपको ऐसे, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में ना वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आपको ऐसे इंडियन और पाकिस्तानी यूँ इतने फ्रीली वॉक करते हैं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे किसी भी पार्ट में पूरी दुनिया। मुझे नहीं लगता कि भाई इस रेशो में और इतने फ्रीली और अपनी जबान बोलते हुए, मुझे कभी भी ये इतना अच्छा फील नहीं हुआ कभी भी किसी देश जाके या फिर किसी भी जगह जाके जितना यहाँ पे होने लग रहा है। गुरुद्वारा से घूम के बाहर आ चुके हैं और उस तरफ मार्केट है, मार्केट की साइड अब हम जा रहे हैं, देखते हैं मार्केट में क्या क्या चीज़ें, क्या देखने को मिलता है, क्या सब चीज़ें यहाँ पे बेच रहे हैं। ये क्या चीज है भैया? नहीं ये क्या चीज है? अखरोट का हलवा। अखरोट का हलवा कितने रुपए का है? पाकिस्तानी ये कितने का है? ये 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो अखरोट है? कितने रुपए ये हलवा? अखरोट 600 है। इंडियन होंगे ना? अच्छा इनके 600। ये क्या भैया? ये क्या भैया? पकौड़ा, पकौड़े। अच्छा ये अखरोट का हलवा, ये पकौड़े, ये अखरोट। अभी तो खत्म हो गया, 4-5 किस्म का लगा। 4-5 किस्म का है? वरना 100 रुपए का डील। अभी खत्म हो गया, सिर्फ एक किस्म का ही है। कितने पैसे हो गए भाई? शबाज तुझे खा गया हूं। ठीक है, मेरे हो गए ना हूं ना, पक्की बात है भैया। इतना सा अच्छा खा सकते हो? थोड़ा सा इतना सा बस थोड़ा सा दे दो बस। मैं तो लूंगा नहीं, अखरोट है। अखरोट का हलवा बहुत टेस्टी है। क्या रेट दे रहे हैं? 1000 रुपए किलो। 15 किलो बहुत टेस्टी है भाई। समोसे कितने का भैया? समोसे 25। 4 समोसे दे दो और 200 ग्राम अखरोट का हलवा दे दो। 300 ग्राम ये होंगे ना निकाल। और इतना एक बड़ी अच्छी आइटम बनाई लाहौरी पकौड़ा, ये अखरोट का हलवा। मेहमान अच्छी चीज लैके जान, अच्छे लफ्ज़ां नाल पाकिस्तान जाके याद कर, बड़ी इज्जत होगी। हां जी मैं
है देखो जी लोहरी पकौड़े ने और बड़ी टेस्टी ने और ज्यादातर इतने मेहमान जो आते ही कहते लोहरी पकौड़ा भी दौ सू लोहरी पकौड़ा भी दौ खा के देखो ना लोहरी पकौड़े हाँ जी खा के छोटा सा टेस्ट हाँ हाँ बड़ा प्यारा टेस्ट है इसका और बड़ा जायकेदार चीज बनाई है हमने ये बड़ा अच्छा कारीगर बनाया है ताकि मेहमानों को अच्छी चीज मिले और इंशाल्लाह ताला अच्छी समोसा बना इतना इतना बड़ा मोटा इस बच्चे के मुंह के जितना समोसा मारा इतना बड़ा मोटा विचार लिया सही है इनका चाय का रेट भी सही है बाकी सब महंगी चीजें ये देखो बोला 2500 का ये दे रहे हैं हमारे क्या बंदा देगा कड़ी से इधर इधर निकालो तो हम लोग का रेट ये देखो कितना बड़ा तो महंगा दे रहे हैं नहीं सर 70 दे रहे हैं 2500 का पाकिस्तानी ये देखो ना कितना बड़ा समोसा है इस बच्चे के मुंह जैसा है वो समोसा ये कितना बड़ा समोसा है मेरी ख्वाहिश है कि मेहमान को अच्छी चीज दे साफ सुथरी दे हाँ जी क्या कहती है दाल पकवान दाल पकवान में इसमें दाल पकवान ही मालूम मेरा सिंच में कितना हम दाल पकवान चलते हैं हम पंजाब के हमारे पंजाब में कल आपके पास यहाँ हिंदुस्तान से मेहमान आते हैं आपके पास खाने आपको कैसा लगता है बहुत अच्छे मेहमान हैं और ऐसे खलूस से मिलते हैं हम भी उनके साथ बड़ा प्यार करते हैं और वो अच्छे लोग हैं जैसे हमें आगे अच्छा लग रहा है आपके पास आपका मन करता है आप भी हमारे पास आओ कभी हाँ मेरा तो जी चाहता है यकीन करें मुझे इधर सरदारों के साथ ये कारोबार करने का बहुत दो तीन चीजें बड़ी अच्छी हासिल हुई है यहाँ से ये जो छोटा सा बच्चा भी होता है ना वो भी कहता है कि जी मैं इधर किधर फेंकना जी किधर है जी इनके सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं जी और फिर कोई पैसा चोरी नहीं करके जाता वो पैसे मुझे दे के जाते हैं रश भी होता है कोई बात नहीं मगर दूर जाके भी वापस आ जाते हैं बाबा जी मैंने समोसा खाया था मैंने भूल गया ये अच्छी चीज ये अच्छी चीज और इंशाल्लाह ताला हम इससे भी हमारी जो कंपनी है ना ग्लोबल ग्लोबल वो दिन रात मेहमानों की खिदमत के लिए सफाई का इंतजाम आगे पीछे बड़ा ख्याल रख रही है पूरी दुनिया में ऐसी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी इतने आराम से घूम रहे हैं अच्छा ये हमारा जो पाकिस्तानी 10,000 बंदा डेली आ रहा है वो ये चीज देखने को आ रहा है बाबा जी को सलाम करने आ रहा है और ये चीज देखने को आ रहा है कि यहाँ सब लोग इकट्ठे बैठते हैं इकट्ठे समोसे खाते हैं इकट्ठे लोहरी पकौड़े खाते हैं इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा ना इससे भी ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि इंडिया के मेहमानों की हमें मैं तो उनको इनके इंडिया के लोगों को अपना मेहमान समझता हूँ चंद घंटों के वो मेहमान होते हैं मगर ये है एक बात जरूर कहता चलूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा उमरान हाँ सरदारों के दिलों में तेरा नाम रहेगा बिल्कुल ये उम्मीद है आपका दोस्त ऐसे रहेगा अगर कोई ऐसा मसला मसाइल ऐसी की बात है तो मुझे बताएं ताकि इनकल हम उसकी छोड़ा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है बहुत आप जब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो कोई मसला मसाइल तो नहीं पेश आया नहीं नहीं कोई भी नहीं आया बिल्कुल हमें तो ऐसा लग रहा है अपने घर में आए पड़ोस वाले घर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला ये भी आप समोसा आपका है ये भी लोहरी पकौड़ा आपका है ये देखो मैं दो इंटरव्यू करने का मैं फ्री में समोसा मिल गया और ये भी तो हमारे हैं इन्हें लेके चलो देखो जी 5,000 बंदा आना चाहिए मगर आपसे प्यार करके मैं मजा आ रहा है आपको यहाँ बिठा के हम समोसे खिलाते हैं चाय पिलाते हैं मजा आ रहा है जी 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 और इंशाल्लाह ताला इससे भी ज्यादा हम आपकी खिदमत करने में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जी बिल्कुल जी थैंक यू पाकिस्तान के 1,000 रुपये किलो था ये अखरोट का हलवा और हमने लगभग मैंने 250 ग्राम ले लिया मैं मीठे का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ मीठा बहुत खाता हूँ तो और ये बहुत टेस्टी था मैंने जब ट्राई किया तो वैसे तो ये कम पड़ेगा मेरे लिए ज़बरदस्त अभी तक की मेरी लाइफ की सबसे अच्छी मिठाई है सीरियसली खा भी पूरा ले ले तो लाइट फट रही है इस टाइम कितना सुंदर लग रहा है ना घूम फिर आए मार्केट जाए अंदर जाए मत्था टेक आए सब कुछ कर लिया अब हम वापस खींचने लग रहे हैं वापसी के लिए बस हमारी वहाँ पे वेट कर रही है उधर अभी बस में जाके बैठे हैं आधा घंटा बाकी पीछे है लख लख बधाइयां सारी साथ संगत नूं दोस्त करतार ने करतारपुर साहब के दर्शन बख्शे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बिल्कुल जी बिल्कुल खुले पंजा साहब दे बख्शे माता जी बाय ब्रदर जो पैसे बचे थे वो आप वापस चेंज करा सकते हो हमने जो यूज़ नहीं हो वापस चेंज करा लिए और वहाँ से ई रिक्शा लेके
वो पाकिस्तान का झंडा उधर ई रिक्शा मिलेगी, उधर से वो छोड़ देंगे आपको वापस बॉर्डर पे, आगे उधर इंडिया की ई रिक्शा मिल जाएगी, उधर झंडा लग रहा है शायद आपको, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, उधर है झंडा इंडिया का, उधर वो छोड़ देंगे। पर हमें वो जो उधर एक बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू पाकिस्तान, उस बोर्ड के आगे फोटो खिंचानी थी, तो इसलिए हम उस बोर्ड के आगे उतरेंगे अभी ई रिक्शा में जाके। हम सोच रहे थे पैदल ही चल पड़े पर अंधेरा हो जाएगा, इसलिए अब हम आधा रास्ता उससे जाके खुद उतर जाएंगे वहाँ पे। हिंदुस्तान की तरफ और हैंडपम्प हट लाए सारे और अब वापस चलते हैं हमारे देश हिंदुस्तान की तरफ। ये था आज के दिन, मैंने आपको ये सारा दिखाया करतारपुर का, एक काफ़ी अच्छा सोशल मैसेज इससे हमें मिलता है कि जो इनने एक तरह से कदम उठाया पाकिस्तान सरकार ने कि भी ये इंडियंस के लिए खोल दिया गया, बहुत अच्छा कदम है, पीस का ये है। जितना इसको हालांकि मीडिया को जितना इसे हाईलाइट करना चाहिए था मुझे नहीं लगता उतना मीडिया ने किया, पर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है जितना हमें आमतौर पे खबर और न्यूज़ में मिली है। और ये चीज़ आप यहाँ पे आके ही फील करोगे, कितनी आप मेरी वीडियो देख लो या फिर कितनी आप किसी की भी वीडियो देख लो, ये जो जो वाइब है वो आपको यहीं पर आएगी। मैं आपको वीडियो में पहले ही बोल चुका, दोबारा बताना चाहूँगा, इट्स अमेजिंग। आपको यहाँ पर आना चाहिए, एक बहुत अच्छा पीस का मैसेज ये जगह दे रही है, कैसे अलग अलग मतलब इतने मज़हब के लोग एक साथ घूम रहे हैं बिल्कुल भाइयों की तरह, कोई सिख है कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, और बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज इससे ये जो चीज़ है इससे हमें मिलता है। इस गेट के उस तरफ हिंदुस्तान है और इधर पाकिस्तान है, बीच में बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान की मिलिट्री है, उस तरफ इंडिया की BSF है। और ये वापस हिंदुस्तान में कदम रखती है आ गए वापस हिंदुस्तान में, वापस आ गए हम लोग। आगे दिखाना है यही पाकिस्तान से हम वापस हिंदुस्तान में एंटर करके और ई रिक्शा में बैठे, बैठते ही दोबारा ETA और पासपोर्ट दोबारा चेक होगा, तो मेक श्योर आप अंदर भी जाओ करतारपुर गुरुद्वारे की साइड, तो अपना ETA हमेशा साथ रखो संभाल के। हालांकि पाकिस्तान वाले आपकी दूसरी स्लिप होती है वो देखते हैं बार बार, आपकी ETA से उन्हें कोई मतलब नहीं क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया है और उनका अलग डॉक्यूमेंट है, वो वापस जाते टाइम आपसे ले लेते हैं, जिस पे एंट्री और एग्जिट की स्टैंप लगती है आपसे, तो आपको वापस डिपॉजिट कराना होता है, तो मेक श्योर आपका ETA और पासपोर्ट आपके साथ हर टाइम पे हो एंटर करते हुए भी और एग्जिट करते हुए भी। थैंक यू। ये आगे अभी दोबारा देखेंगे ETA, अच्छा जमा करेंगे, अच्छा थैंक यू भैया। इन्होंने बताया कि जो ET है वो भी जमा होगा, डिपॉजिट होगा, जैसे आपकी पाकिस्तान इमिग्रेशन की जो स्लिप थी जिस पर एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगती है, उसी तरह आपका ETA जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको ऑनलाइन आप प्रिंट करके लाए थे जिस पर स्टैंप लगी है, वो भी आपको वापस देना है इमिग्रेशन पे, वो वापस ले लेंगे, कुछ ऐसा दिखता है ETA। इधर बाहर निकलते ही पार्किंग एंड द एक्सपीरियंस वॉज मैजिकल। आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग यहाँ पे आए और ये एक्सपीरियंस देखे फील करे
और इट वॉज जस्ट मैजिकल, मतलब इतना मज़ेदार था, मैंने सोचा था मजे आएंगे पर यूँ नहीं सोचा था इतने आएंगे, एकदम लाजवाब। इसका जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है जिससे आप अपनी ETA ले सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उधर जाके आपको एक फॉर्म भरना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे वो भर के, अपनी डिटेल्स दे के वेरीफिकेशन होगी और आपको अपनी डेट मिल जाएगी। उस ETA का आप प्रिंट लीजिए जो आप अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद उसको और पासपोर्ट को लेके आप इधर आ सकते हो और ये करतारपुर गुरुद्वारा में जा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, इंडिया में, पाकिस्तान में, किसी भी कंट्री में, कहीं भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस, इतना यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब सारे इंडियन, पाकिस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे एकदम भाइयों बहनों की तरह एकदम ऐसे घूम रहे हैं, इतने प्यार से मिल रहे हैं, सारे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, रुक रुक के फ़ोटोज़ खींच रहे हैं और वो कह रहे हैं आप हमारे मेहमान हो, और कोई कह रहा है हमारे भाई आ गए हैं, ये वो, मतलब इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा होगा, इससे आपको काफ़ी टिप्स भी मिली होगी आप आना चाह रहे हो तो। एंड आई होप कि यू लाइक द वीडियो, अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे से, मेरे ट्रैवल से जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए क्या, तो और मेरे एक्सपीरियंस से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट 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 डे एंड गुड बाय।